So we are starting with question number 6 now. Find the equation of the line parallel to y-axis. Equation of a line हमें निकालनी है which is parallel to y-axis. यानी कि इसके parallel हमने निकालनी है line. हाँ जी, किसमें बाकी हो गए थे सारे? नहीं, लास्ट क्वेश्चन हमारा एंगल्स वाला हुआ था, साइन थीटा कॉस थीटा वाला नहीं था? हाँ जी, सो वाई एक्सिस के पैरेलल हमें लाइन निकालनी है. ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस y इक्वल टू जीरो. इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें लाइन निकालनी है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस. एनी लाइन ऑफ द फॉर्म विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू a. यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे. उसका जो आपका x कोऑर्डिनेट होगा पुट दैट as in the form x is equal to a and that will give you the answer. हो जाएगा, ये कर लोगे? इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो. इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो पास कर रही है एंड दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस. कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है दैट इज ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू a. यानी कि जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसमें जो आपकी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी दैट विल बी योर आंसर. x इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट को कुछ नहीं करना, आंसर विल बी इन द फॉर्म x इज इक्वल टू a बिकॉज़ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो x इज इक्वल टू जो भी यहाँ वैल्यू आएगी दैट यू विल गिव इन योर आंसर. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x बाय 4 प्लस y बाय 6 is equal to 1. इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें लाइन जो है उसकी इक्वेशन निकालनी है थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस. उस पॉइंट से जहां पे ये वाई एक्सिस को मीट कर रही है, यानी कि ये लाइन जहां पे वाई एक्सिस को मीट कर रही है उस लाइन उस पॉइंट से हमने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ठीक है, तो इट मीट्स द वाई एक्सिस वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज 0. तो एक्स को 0 पुट करो, आपके पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी. y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 6. यानी कि पॉइंट क्या आ गया आपके पास? 0, 6. हमें इस पॉइंट से गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो है वो निकालनी है. अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लोगे क्या बनेगा ये, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 12. तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1. ये 12 आप उधर ले जाओगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. अब क्या आएगा? हाँ जी, इस लाइन के परपेंडिकुलर हमने लाइन निकालनी है, इसकी स्लोप कितनी आएगी आपकी? माइनस 3/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई. तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप क्या आ जाएगी? 2/3. लाइन की स्लोप 2/3, पास कहाँ से कर रही है? 0, 6 से. तो यू कैन फाइंड आउट इट्स इक्वेशन. हो जाएगा सिंप्लीफाई, 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x. तो इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बी योर आंसर. क्लियर?
चले आगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मड बाय द लाइन्स y माइनस x इक्वल टू जीरो, x प्लस y इक्वल टू जीरो, x माइनस k इक्वल टू जीरो। तीन इक्वेशंस हमें गिवन है साइड्स की ट्राइंगल के, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। यानी कि पहले आप इनको सिंप्लीफाई करके यू विल फाइंड आउट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। वंस यू हैव गॉट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल तो यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक इक्वेशन हमें गिवन है वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड द थर्ड इक्वेशन इज एक्स माइनस के इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, इन दोनों को सॉल्व करोगे आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फर्स्ट। यहाँ पे क्या गिवन है y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो इनको सिंप्लीफाई कर लोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ a x माइनस x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और सेकेंड के लिए क्या है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। वाई माइनस एक्स कैन बी रिटन एज माइनस एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल आउट हो गया, टू वाई इक्वल टू जीरो यानी कि वाई इक्वल टू जीरो, वाई जीरो यानी कि एक्स इज ऑल्सो जीरो। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके जीरो कॉमा जीरो। नाउ लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू के आप इसमें पुट करोगे तो वाई की वैल्यू भी आपकी के आ जाएगी, सो दीज कोऑर्डिनेट्स विल बी के एंड के। एक्स माइनस के इक्वल टू जीरो किसने दिए, थैंक यू। तो x माइनस के इक्वल टू जीरो यानी कि x इज इक्वल टू के, y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी कि y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। x की वैल्यू k आ गई, y x के इक्वल है तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी k, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए k कॉमा k। सेम वे में अब x माइनस के इक्वल टू जीरो यानी कि x इक्वल टू के यहाँ पे पुट करोगे तो x प्लस के इज इक्वल टू जीरो यानी कि x इज इक्वल टू माइनस के, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके माइनस के कॉमा एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू माइनस के। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, दैट इज गिवन बाय हाफ ऑफ फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट्स, सेकंड वाले कोऑर्डिनेट्स, थर्ड वाले कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट की रेपिटेशन, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड अगेन x1 y1, फर्स्ट वाला हमेशा रिपीट होता है। अब इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज हाफ ऑफ, ये हो जाएगा आपका जीरो, ये भी जीरो, दिस इज माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एंड दिस इज जीरो, तो ये हो गया आपका हाफ ऑफ टू के स्क्वायर यानी कि एरिया इज के स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। 10th वाला फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तीन वर्टिसेस आपको गिवन होते हैं तो आपने हाफ ऑफ फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स एंड फर्स्ट वाले की रेपिटेशन करनी है। उसके बाद इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हुए जब ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो नेगेटिव साइन, ठीक है। जीरो के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस जो मर्जी साइन लगे, जीरो आएगा ये, के इंटू माइनस के इज माइनस के स्क्वायर, के इंटू के प्लस के स्क्वायर होता है, बट क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो साइन चेंज कर दोगे एंड देन ये भी अगेन जीरो, ठीक है। तो ये माइनस टू के स्क्वायर क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, मॉड लेके प्लस टू के स्क्वायर, टू से टू कैंसल, के स्क्वायर इज द एरिया। डन। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, नहीं सेम नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द थ्री लाइंस मे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एग्जांपल की तरह है ये।
आपने यहाँ पे क्या करना है, तीन लाइंस गिवन है, इन तीनों लाइंस में जो पी के अलावा वाली लाइन है यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड लाइन को आप सॉल्व कर लोगे, वहां से आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं, तो दे विल पास थ्रू दैट पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है उनका, वो आप सेकेंड वाली लाइन में पुट करोगे जो पॉइंट आपके आए हैं एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी। कर लोगे मधु? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में 9 की तरह ही है, दिस ऑल्सो यू विल डू योर सेल्फ। थ्री लाइन्स आपको कॉन्करेंट गिवन है, कॉन्करेंट जब आपको थ्री लाइन्स गिवन है तो आपने क्या करना है, किन ही दो लाइन्स को आप सॉल्व कर लो। हाँ जी, एक इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, सेकेंड इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, थर्ड इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, यहाँ से जो आपकी x और y की वैल्यू आएगी वो आप इसमें पुट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें निकालनी है थ्रू द पॉइंट 3,2, जो पास करेगी पॉइंट 3,2 से, विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री। ये हमें गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन हमने निकालनी है विच पासेस थ्रू 3,2 पॉइंट से ये पास कर रही है एंड विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री। जिस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है उसका एंगल मुझे एक्स एक्सिस के साथ गिवन नहीं है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट स्लोप नहीं निकाल सकती इसके। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल जो है मुझे इस लाइन के साथ गिवन है यानी कि इसकी स्लोप गिवन है और इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल गिवन है, तो आई कैन फाइंड आउट इट्स स्लोप यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, टैन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो आप इसकी स्लोप निकाल लोगे, पॉइंट आपको गिवन है एंड यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो पहले इसकी स्लोप फाइंड आउट करो, नेम्स दे दो इनको सी डी और इसको ले लो ए बी, स्लोप ऑफ ए बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस वन अपॉन माइनस टू मैंने सीधा पॉजिटिव लिख दी है, एंड दिस स्लोप ऑफ सी डी ये हम एम एज्यूम कर लेते हैं, एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। सिंप्लीफाई कर लोगे, टेन 45 इज वन, यहाँ आ जाएगा ये वन माइनस टू एम अपॉन टू प्लस एम, दोनों का अपॉन टू मैंने कैंसिल आउट कर दिया डायरेक्टली। अब प्लस माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू एम, मॉड का साइन हमने हटा दिया, अब एक बार पॉजिटिव वैल्यू के साथ एम आ जाएगा, एक बार नेगेटिव वैल्यू के साथ एम आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास 3m इज इक्वल टू माइनस वन यानी कि m इज इक्वल टू माइनस वन। तो जब स्लोप माइनस वन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी आपकी, दैट इज पासिंग थ्रू 3,2 एंड स्लोप माइनस वन है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, सो दिस इज y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3, x प्लस y, x प्लस y माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, या तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। अब सेकेंड केस क्या है, ये माइनस वन लेके चलना, तो माइनस वन इज इक्वल टू
वन माइनस टू एम अपॉन टू प्लस एम, सो माइनस टू माइनस एम इज इक्वल टू वन माइनस टू एम, एम इज इक्वल टू थ्री. तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी y माइनस टू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स x माइनस थ्री. सो y माइनस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस नाइन, थ्री एक्स माइनस वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो. कहाँ नेगेटिव के अंदर, पॉजिटिव में. हाँ माइनस वन बाई थ्री आएगा, मैंने ये थ्री स्किप कर दिया, दिस इज माइनस वन बाई थ्री, यहाँ पे चेंज कर लो. सो दिस इज एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन, मैंने ये थ्री स्किप कर दिया था तो माइनस वन बाई थ्री है बन. क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस इनकी, क्योंकि काफी बार ये रिपीट हुआ है आपका. क्वेश्चन नंबर 12. चलिए 12th पे हो गया ये. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू लाइंस दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस. मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं और जो गिवन जो दो लाइंस दूसरी और गिवन है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है. यानी कि ये इंटरसेप्ट्स आपके इक्वल गिवन है, अगर ये ए जीरो है तो दिस इज जीरो ए और बाकी दूसरी दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है वो पास कर रही है. इसकी एक की इक्वेशन गिवन है फोर एक्स प्लस सेवन वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, सेकेंड की इक्वेशन गिवन है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो. स्टेटमेंट क्लियर है? Find the equation of the line passing through the point of intersection of these two. ये इनके intersection से pass कर रही है and that has equal intercepts on the axis. So इसकी equation मुझे निकालनी है. अब इसकी equation निकालने के लिए मुझे क्या given है? That it has equal intercepts. यानी कि equation of line जो है वो intercept form में मैं ले लूँगी. तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वन, दोनों इंटरसेप्ट इक्वल थे तो b को भी मैंने a ले लिया. तो यहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, x प्लस y इक्वल टू a. नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी लाइन की. तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, क्योंकि तीनों लाइंस इस पॉइंट से पास कर रही हैं. तो जब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास आ जाएगा इट मीन्स वो इसको सेटिस्फाई करेगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी. अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना. फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 4x plus 7y is equal to 3. सेकंड इक्वेशन बराबर बना लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके x का कोएफिशिएंट सेम बना रहे हैं, 4x minus 6y plus minus 2 equal to 0. ये कैंसिल आउट हो गया, 13y is equal to 5. y is equal to 5 by 13. अब y को 5 by 13 put करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. वन by 13 आ जाएगी आपकी x की वैल्यू. तो पॉइंट्स आ गए 1 by 13 एंड 5 by 13. अब 1 by 13 कॉमा 5 by 13 जो है इस पॉइंट से ये वाली लाइन भी पास कर रही है, यानी कि दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन आल्सो.
तो 1/13 प्लस 5/13 इज इक्वल टू ए. सो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 6/13. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, इसी में ए की वैल्यू पुट कर दोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/13. आगे चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव अप टू दिस पॉइंट ऑल्सो. तो पहले आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बोथ लाइंस का, देन इंटरसेप्ट्स आपको इक्वल गिवन थे तो इंटरसेप्ट फॉर्म में रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी पास कर रही है तो इट विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन. तो वहां से आपने इक्वेशन निकाल ली. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये ध्यान से करना. डन करो. क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसमें आपका जो इंटरसेप्ट है, यानी कि अगर मैं उसको y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन वाली फॉर्म में लिखती हूँ, तो x1 और y1 की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, जीरो पुट करनी है. यानी कि जो इक्वेशन होगी, अगर मैं उसकी स्लोप m1 मान लेती हूँ, तो दैट विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम वन एक्स. एनी लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, स्लोप मैंने उसकी अज्यूम कर ली, दैट विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम वन एक्स. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द अदर लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, अब मुझे m1 की वैल्यू नहीं पता, तो मैं यहां से m1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, दैट विल बी y अपॉन x. अब दोनों लाइंस की स्लोप्स हैं मेरे पास, दोनों लाइंस के बीच में एंगल हमें गिवन है, तो हम उसको निकाल सकते हैं. क्या कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन द टू लाइंस? tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. एक की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m. ठीक है, अब यहां से m1 की वैल्यू y upon x. आपको प्रूफ क्या करना है, देखो वी आर टू प्रूव दैट y by x is equal to plus minus m plus tan theta upon 1 minus m tan theta. यानी कि जो ये स्लोप हमने अज्यूम की थी, ये मिसिंग है इसके. तो अब हम क्या करेंगे, m1 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें y अपॉन x. अब इसको एक बार पॉजिटिव के साथ एक बार नेगेटिव के साथ लेके सिंप्लीफाई कर. या प्लस माइनस साइन आप बाहर ऐसे कॉमन लेके, क्योंकि आंसर आपका प्लस माइनस फॉर्म में ही गिवन है, तो फिर इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई कर लेना, तो जो आपने प्रूव करना है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा. डन, पूछना है कुछ? क्वेश्चन नंबर, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13. अब क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है फाइंड इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स माइनस वन कॉमा वन एंड फाइव कॉमा सेवन इज. हाँ जी, बस आगे इसको इधर ले जाने, फिर वाई अपॉन एक्स वाली टर्म्स, क्योंकि यहाँ जो आपने प्रूव करना है उसमें वाई अपॉन एक्स लेफ्ट साइड पे, तो वाई बाई एक्स वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे रख के बाकी सब राइट साइड पे ले जाओ. ये क्या बनेगा यहाँ से, प्लस माइनस टेन थीटा प्लस वाई अपॉन एक्स एम टेन थीटा. ठीक है, दिस इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस एम. वाई बाई एक्स वाली ये दोनों टर्म्स एक तरफ ले जाओ और ये वाली टर्म उधर ले जाओ. सो दिस इज प्लस माइनस, ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, कॉमन ले लिया मैंने, एक स्टेप स्किप कर दिया, एम टेन थीटा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा. क्लियर है ये स्टेप? एक मैंने बीच में स्किप कर दिया, वाई अपॉन एक्स को इधर लाए और वाई अपॉन एक्स कॉमन ले लिया. वाई अपॉन एक्स कॉमन लिया तो ये एम टेन थीटा रह गया, ये इधर आके नेगेटिव हुआ था तो माइनस वन रह गया.
और इधर क्या रहा माइनस एम, ये टैन थीटा भी इधर गया तो ये माइनस टैन थीटा। हाँ जी हाँ, ये माइनस वन तभी लिया है ना, वाई अपॉन एक्स वाली टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, ठीक है। अब ये वाला नेगेटिव साइन अगर मैं कॉमन ले लू तो ये प्लस एम प्लस टैन थीटा बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा वन माइनस एम टैन थीटा। गॉट इट क्लियर? अब ये उधर ले जाओगे तो यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? मैंने उसको ओवरऑल को बाहर ले लिया क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है आंसर में वो प्लस माइनस की फॉर्म में लेना है। कहाँ मैंने बच्चे ये कॉमन के लिए निकाल लिया, उसके आगे मैं प्लस माइनस का साइन लगा दूंगी तो आई विल गेट माय आंसर। मैंने विदाउट प्लस माइनस अभी किया, यानी कि आप ये अज्यूम कर लो कि मैंने पॉजिटिव वैल्यू के लिए किया इसको। हाँ जी, ये साइन तभी मैंने ऐसे शो कर दिया ना बाहर। अब यहां ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, ऊपर वाला कह रहे हो? हाँ, कहाँ? ये सारे के साथ था ना, यहाँ सारे के साथ था, मैंने इसको पूरे को ऐसे लिख लिया। मैंने मतलब दो बार कैलकुलेशंस ना करके एक बार कर दी, आप अलग अलग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको प्लस के साथ शो कर लो, यहाँ पे नेगेटिव के साथ ऐसे लिख लो। प्लस के साथ जब आप लिखोगे तो ये वैल्यू आ रही है, जब नेगेटिव के साथ लोगे तो आगे माइनस साइन आ जाएगा, तो आंसर आपका वही दोनों पार्ट्स के लिए प्रूव होगा। क्लियर है? रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कर लेना अगर हो जाते हैं तो। हाँ जी एक सेकेंड ले आओ मेरे पास। तो बच्चे आई एम एंडिंग।